Hello guys, subscribe the Christian Knowledge channel and hit the bell icon to get all the latest notification about the technical and educational videos. Hello guys, welcome to all of you. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सीरीज चल रहा है जिसमें कि इससे पहले मैंने नेगेटिव के बारे में बता दिया था, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दिया था, और आज हम लोग इंट्रोगेटिव के कुछ क्वेश्चंस और उसके रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नाम से जैसे कि आपको पता होगा कि साफ पता चलता है कि कोई आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या तुम फिर बोल रहे हो, ठीक है, क्या तुम फिर बोल रहे हो। तो इसके लिए जो बेसिकली रूल होता है, जो इतना पढ़ने का शायद आपको पता चल ही गया होगा कि एम इज और आर सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका छोटा सा रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो फटाफट इसको बना लें। तो तुम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आर, ठीक है, देन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, बोलना जो कि वर्ब है तो क्या हो जाएगा आर यू स्पीकिंग, SPEAKING। ऑब्जेक्ट में क्या होता है फिर से, तो आर यू स्पीकिंग अगेन, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल देख ले। वह अशोक को नहीं, क्या वह अशोक को मार रहा है, ठीक है। तो क्या वह अशोक को मार रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ही है, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, पहले इज, तो हो जाएगा इज, ठीक है, ही, ओके, देन मारना क्या हो जाएगा बीट, BEAT, बीटिंग, तो इज ही बीटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अशोक, तो यहाँ पे लिख दो अशोक। तो इज ही बीटिंग अशोक, क्या वो अशोक को मार रहा है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस लीजिए, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।